नमस्कार। सो पंजाब स्टेट ने अपना मॉपअप राउंड स्टार्ट कर दिया है और जैसे कि हम जानते हैं पंजाब इज ए क्लोज स्टेट फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, डिस्काउंटेड फीस होती है। तो लाइक मध्य प्रदेश, पंजाब में भी हार्डली कोई सीट बचती है। मध्य प्रदेश में वो मेधावी छात्र का लॉजिक है और पंजाब में डिस्काउंटेड फीस का। फिर भी देखिए, इस समय लॉन्च है, आप बाबा फरीद की होम पेज पे जा सकते हो। फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है। पहले आप वही 5,000 प्लस जीएसटी देंगे और फिर 2,500 प्लस जीएसटी फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स, और फिर आपसे 1,00,000 रुपए भी ले जाते हैं सिक्योरिटी फीस के हिसाब से। और इस समय जो खुल चुका है और 22 तारीख तक यानी कि मंगलवार तक आपके पास टाइम है रजिस्ट्रेशन करने का। बाकी सब चीजें आपको वहां पर पता चलती जाएंगी, पर काफी डिले किया गया। स्टार्ट तो उन्होंने कर दिया है लेकिन जो रिजल्ट है वो उन्होंने 5 अप्रैल को दिखाएंगे। वही बहुत लेट है, मतलब जरूरत नहीं था लेट करने की, बिकॉज बाकी सारा काम 24-25 मार्च तक खत्म हो जाएगा। चॉइस फिलिंग के लिए 8 दिन दे दिए हैं, 26 मार्च से 30 मार्च तक 4 दिन, और रिजल्ट है वो 5 अप्रैल को। मतलब स्पिटी लेट, तो शायद यहां तक वही वेट करेगा या सीट वही लेगा जिसको पक्की सीट चाहिए। कमाल की बात यह है कि पूरा का पूरा राउंड ऑनलाइन होने वाला है। तो लास्ट जो कि पंजाब का मॉपअप ऑफलाइन था, इस साल ये पंजाब का जो राउंड है ये ऑनलाइन होने वाला है। ओके, जिन लोगों को पंजाब के में भी राउंड 2 की सीट मिली थी और उन्होंने नहीं ली थी, मतलब एमसीसी की तरह, मैंने पहले कहा था लाइक हरियाणा लाइक पंजाब आप फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हो फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट तक देके, कोई टेंशन नहीं है, मतलब दोबारा आ सकते हो। और जिनको ऑलरेडी अभी तक राउंड 1 राउंड 2 में कोई सीट मिली नहीं तो उनका तो चलता है रजिस्ट्रेशन एज वी नो फॉर एवरीथिंग। और फिर से वही बात है कि 1,00,000 रुपए देने प्राइवेट कॉलेज के लिए, सरकारी के लिए 10,000 रुपए देने हैं। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उन्हें कुछ नहीं देना है, राइट। जिन लोगों ने सिर्फ पहले सरकारी भरा था वो प्राइवेट के लिए भी ओपन है, वो 90,000 रुपए और दे देंगे। ऑस्ट्रेलिया मॉपअप तो खैर जब भी होगा वो बाद में होगा, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया मॉपअप की नौबत आएगी क्यों नहीं, आएगी नहीं क्योंकि इतना डिले तो इनका मॉपअप ही चल रहा है कि 10 अप्रैल तक तो मॉपअप चलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है जिसके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने कहा ना कि वैसे तो प्राइवेट की बहुत ज्यादा सीटें इनके पास अब है ही नहीं, लेकिन सीएमसी लुधियाना में, जी हाँ सीएमसी लुधियाना में 2 सीटें, टोटल 3 सीटें हैं, एक एक्स्ट्रा माइनॉरिटी की और 2 ऑल इंडिया कोटे की। अब ये कन्फ्यूजन मैं दोबारा चेंज कर लेता हूं, सीएमसी लुधियाना में 5 सीटें हैं ऑल इंडिया कोटा, मतलब पूरी इंडिया के बच्चे आ सकते हैं। पर ये ऑल इंडिया कोटा को ना अक्सर लोग एमसीसी ऑल इंडिया कोटा से कन्फ्यूज कर लेते हैं। देखिए पंजाब एज ए प्राइवेट कॉलेज ओवरऑल क्लोज स्टेट है, ये एमबीपीएससी सीटें सिर्फ पंजाब को देता है, नॉन पंजाबी के लिए बीडीएससी सीटें हैं। लेकिन भाई आप अभी अप्लाई कर सकते हो, अगर पंजाब के बाहर के हो तो आपको जो पंजाब के प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं जो कि आदेश में समय 13 अवेलेबल है और गवर्नमेंट कोटा में भी, और 1 सीट ज्ञान सागर में, टोटल 14 ये, और फिर मैनेजमेंट कोटा में 3 आदेश में और 2 पिम्स में, टोटल 14+5 19 सीटें अवेलेबल हैं, और एक टोटल 19 सीटें एमबीबीएस के अवेलेबल हैं जो पंजाब के नॉर्मल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। श्री गुरु रामदास अमृतसर में इस समय 13 सीटें अवेलेबल हैं, तो टोटल मिला के 40 के करीब सीटें हैं एमबीबीएस के अवेलेबल पंजाब डोमिसाइल के बच्चों के लिए, वो ले सकते हैं। और ऑफकोर्स अगर ये सीटें नहीं भरती हैं पंजाब के लोगों से तो फिर नॉन पंजाब को भी मिल सकती है। तो जो लोग नॉर्थ में रहना चाहते हैं, आपका 22 है तो आप ये सीटें भर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2 सीटें सीएमसी लुधियाना में भी अवेलेबल है। कोटा का ऑल इंडिया कोटा मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पंजाब डोमिसाइल नहीं है तो भी आप इन सीट्स के एलिजिबल हो। तो हरियाणा के रहने वाले, दिल्ली या पूरे इंडिया के रहने वाले, अगर आपके 600 से ऊपर नंबर है आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। पर मैंने बोला था किस्मत खराब ये है कि इसको इन्होंने खींच दिया है, 5 अप्रैल को रिजल्ट दिखाएंगे, और इस खींचने की वजह से कोई बड़ी बात नहीं, ये सीएमसी लुधियाना की सीटें यहां तो बहुत कम मार्क्स से मिल जाएंगी या स्ट्रे मॉपअप में जाएंगी, क्योंकि 5 अप्रैल तक रिजल्ट दिखाएंगे तब तक ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे मॉपअप भी स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और 2 सीटें हैं, फीस ऑफकोर्स सीएमसी लुधियाना में 5.5 लाख रुपए साल ही है, तो कोई सरकारी फीस नहीं है, 1,00,000 रुपए 50,000 रुपए वाली, बट 2 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांडेड कॉलेज है ये। और इसके अलावा जो मैंने बोला रफली स्पीकिंग 14-5-19 तकरीबन 32-33 सीटें हैं जो कि श्री गुरु रामदास आदेश और पिम्स जलंधर में मिला के हैं, विच इज गुड इनफ। देखिए 33 सीटें कम नहीं होती है, प्राइवेट की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा का जब एनआरआई स्टार्ट होगा तो 100 सीटें वहां निकलेंगी, तो
गुड अमाउंट ऑफ सीटें होती है, तो अब ये मैं सोचे कि सीटें बची नहीं है, 30 सीटें क्या होती है। तो खासकर फीस हम जानते हैं कि सर पूरा पैकेज है वो 70 लाख के आसपास पड़ता है, चाहे आदेश हो चाहे श्री गुरु रामदास हो। तो आप भरिए, अगर आपको सीट मिल जाती है, खासकर अगर आप पंजाब डोमिसाइल के हैं तो, और नॉन पंजाब के भी हैं तो अगर पंजाब डोमिसाइल के लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और काफी सीटें बची हुई है, 40 सीटें देखिए कम नहीं होती। अगर हम स्टेट काउंसिल की बात करें तो ओनली प्रॉब्लम इज जो मैंने कहा कि 5 अप्रैल तक डिले होने वाला है, तो आपको बड़ी पेशेंस से बैठना पड़ेगा, राइट। और ये इन्होंने गड़बड़ की है, कुछ ज्यादा ही डिले कर दी है मेरे हिसाब से भी, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए इस समय ओपन है, आप भर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।